okay so in the last class we saw the concept of frequency what is frequency number of cycle in one second is known as frequency dekhiye ye kya hai ek cycle hai एक cycle की length को हम क्या कहते हैं wavelength कहते हैं यहाँ पे एक second पे कितनी cycle है one and two तो what is the frequency of this signal this will be टू हर्ट्स वॉट इज शॉर्टर एंड लॉन्गर वेव लेंथ कि इफ वेव लेंथ इज लॉन्ग मीन्स फ्रीक्वेंसी इज लेस इफ वेव लेंथ इज स्मॉल देन फ्रीक्वेंसी इज हायर विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेसन वी कैन वी कैन गेट द कंसेप्ट ऑफ शॉर्टर एंड लॉन्गर वेव लेंथ एंड सेकेंड पार्ट इन द सेकेंड पार्ट वी सॉ द फेज वॉट इज फेज देखिए एक साइकिल के लिए कितने डिग्री का रोटेशन हुआ टू पाई डिग्री का रोटेशन हुआ टू पाई का रोटेशन हुआ अच्छा यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितनी है वो लेमडा है तो लेमडा लेंथ के लिए कितना टू पाई का रोटेशन तो यूनिट लेंथ के लिए टू पाई बाई लेमडा तो एक्स लेंथ के लिए टू पाई बाई लेमडा इंटू एक्स टू पाई बाई लेमडा को क्या कहते हैं बीटा कहते हैं और एक्स क्या कहलाता पाथ लेंथ एंड आई ऑल्सो एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द पाथ लेंथ तो आप देखिए यहाँ पे कि एक एग्ज़ाम्पल भी आपने कंसीडर किया था और यहाँ पे फेज़ को कैलकुलेट किया था फिर मैंने आपको ये बताया था कि इक्वेशन कैसे लिखते हैं इक्वेशन ऐसे लिखते हैं कि इसके लिए इक्वेशन क्या ए साइन ओमेगा टी इसके लिए ए साइन ओमेगा टी माइनस थर्टी इसके लिए ए साइन ओमेगा टी प्लस थर्टी कैसे लिखते हैं ट्रिक बताया था इसके लिए क्या लिखेंगे ए साइन ओमेगा टी प्लस वन एटी डिग्री तो इस तरीके से मैंने कुछ ट्रिक बताए थे तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि वॉट इज़ फेज़ डिफरेंस तो फेज़ में डिफरेंस कैसे निकालते हैं ये देखिए आपके सामने दो वेव फॉर्म है एक ये और एक ये ये वेव कहाँ से स्टार्ट हो रही है जीरो से स्टार्ट हो रही है तो इसका इक्वेशन मैं क्या लिखूँगा ए साइन ओमेगा टी पिछले लेक्चर में सीखा था इसका इक्वेशन क्या ये थर्टी डिग्री से स्टार्ट हो रही है तो क्या लिखूंगा ए साइन ओमेगा टी माइनस थर्टी रिकॉल की अपन आर्ग्यूमेंट के अंदर जो भी रहता है उसको जीरो इक्वेट करते थे तो यह ऐसा कुछ करते थे कि ओमेगा टी माइनस थर्टी इक्व टू जीरो देन ओमेगा टी इक्व टू थर्टी यानी ये कैसा आया ये वैल्यू प्लस थर्टी आई है यानी सिग्नल हमारा प्लस थर्टी से स्टार्ट होगा तो दोनों का फेज में डिफरेंस क्या है यानी इसका ये वाला ये वाला फेज़ माइनस ये वाला फेज, फेज इजिकल टू क्या कहलाएगा फेज डिफरेंस मतलब इसका फेज माइनस इसका फेज़ तो देखिए इसका फेज़ कितना है ओमेगा टी माइनस थर्टी इसका फेज़ कितना है ओमेदा थी, ओमेदा थी माग़े थार्टी। माग़े थार्टी। थी, ओमेगा टी ओमेगा टी माइनस थर्टी माइनस ओमेगा टी ओमेगा टी ओमेगा टी कैंसिल आउट माइनस थर्टी डिग्री का फेज डिफरेंस होगा अच्छा दूसरे केस में देखिए इसमें कितना होगा फेज डिफरेंस इसका इक्वेशन क्या लिखते थे ए साइन ओमेगा टी इसका इक्वेशन क्या लिखते थे ए साइन ओमेगा टी प्लस वन एट्टी डिग्री पिछले लेक्चर में आप देख लीजिएगा तो इसका फेस कितना ओमेगा टी प्लस वन एट्टी माइनस ओमेगा टी तो कितना आ जाएगा वन एट्टी डिग्री का फेस डिफरेंस होगा इन दोनों में अच्छा देखिए इसके केस में क्या होगा फेस डिफरेंस ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है जीरो से तो इसका इक्वेशन क्या लिखेंगे ए साइन ओमेगा टी इसका इक्वेशन क्या लिखेंगे ये 30 डिग्री पहले से स्टार्ट हो रहा है सपोज दैट ये 30 डिग्री है तो ये इसका इक्वेशन क्या लिखेंगे ए साइन ओमेगा टी प्लस थर्टी इक्वेशन कैसे लिखना है ये मैंने पिछले लेक्चर में सिखाया है तो ओमेगा टी प्लस थर्टी माइनस ओमेगा टी तो फाइव इजकल टू कितना है थर्टी इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है थर्टी डिग्री तो सोच के देखिए इन दोनों में फेज डिफरेंस कितना होगा इसका इक्वेशन क्या लिखूंगा ए साइन ओमेगा टी माइनस थर्टी इसका इक्वेशन क्या लिखूंगा ए साइन ओमेगा टी प्लस थर्टी तो फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा ओमेगा टी ओमेगा टी प्लस थर्टी माइनस ओमेगा टी माइनस थर्टी तो इन दोनों को माइनस करूँगा तो फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा सिक्सटी डिग्री तो फेज डिफरेंस में बेसिकली हमें करना क्या है सबसे पहला काम हमें इक्वेशन लिखना है इक्वेशन लिखने के बाद हमें दोनों को क्या करना है माइनस करना है इसका माइनस इसका कर देंगे तो मुझे फेज डिफरेंस मिल जाएगा तो व्हाट इज़ सिग्निफिकेंस ऑफ फेज डिफरेंस इन द केस ऑफ रेडियो वेव प्रोपेगेशन तो आप देखिए कि आप सबसे पहले ये देखिए ये एक ए, मेरे सामने एक ट्रांसमीटर है और एक रिसीवर है मैंने आपको बताया था ट्रांसमीटर से रिसीवर तक वेव किसी भी पाथ से होके जा सकती है तो सपोज दैट यहाँ से इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करी ये डिस्टेंस क्या है d1 है एक दूसरी इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव है यहाँ पे ये यह आया रिफ़्लेक्ट होके यहाँ पे गया इसने दूसरा पाथ ट्रेवल किया तो मैंने आपको ये बताया था कि इलेक्ट्रो मैगनेटिक वेव का रिफ्लेक्शन भी हो सकता है रिफ्रैक्शन भी हो सकता है ट्रांसमिशन भी हो सकता है स्कैटरिंग भी हो सकती है एब्जॉर्बसन भी हो सकता है तो इस फिना को देखिए ये क्या है बेसिकली एक तरीके का क्या है रिफ्लेक्शन है आगे चल के और भी पढ़ेंगे सपोज दैट ये पाथ लेंथ क्या है डी है और ये पाथ लेंथ क्या है डी है इसके लिए फेज कितना होगा रिकॉल दैट कि फेज़ का इक्वेशन क्या लिखते थे टू पाई बाई लेमडा इंटू पाथ लेंथ इसमें पाथ लेंथ कितना है डी वन है तो इसके लिए फेज कितना हो जाएगा टू पाई बाई लेमडा इंटू डी वन इसके लिए फेज कितना हो जाएगा टू पाई बाई लेमडा इंटू डी टू दोनों फेज मुझे पता चल गए तो फेज़ में डिफरेंस क्या होगा ये माइनस ये तो टू पाई बाई लेमडा इंटू डी टू माइनस डी वन देखिए यहाँ पे क्या बात समझ में आई यदि पाथ में डिफरेंस है यदि पाथ में डिफरेंस है तो फेज़ में भी क्या डिफरेंस क्या होगा प्रोड्यूस होगा अच्छा इसके बाद हमें थोड़ा सा ये समझना है वट इज़ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड वट इज़ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो देखिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का इंटरफेरेंस का मीनिंग क्या है इंटरफेरेंस का सिर्फ एक ही मीनिंग है एडिशन ऑफ वेव्स तो देखिए ये दो वेव फॉर्म है देखिए इसका इक्वेशन क्या लिखूंगा ए साइन ओमेगा टी इसका भी इक्वेशन क्या लिखूंगा ए साइन ओमेगा टी अब मैं दोनों से ये भी पूछूँ कि इन दोनों में फेज डिफरेंस कितना है तो ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी फेस डिफरेंस की वैल्यू क्या है जीरो है तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि दोनों वेब फॉर्म क्या होंगी सेम फेस पे होंगी फेस डिफरेंस क्या है ज़ीरो है अच्छा दोनों इंटरफेरेंस का मतलब मैंने क्या समझाया कि दोनों वेब फॉर्म का एडिशन दोनों वेब फॉर्म को ऐड करेंगे तो इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना ए इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना ए? ए प्लस ए मिलकर क्या हो गया टू ए टू ए बन जाएगा तो सच काइंड ऑफ इंटरफेरेंस इज़ नोन एज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या हुआ दोनों वेव फॉर्म सेम फेस पे होंगी और दोनों का क्या होगा एडिशन होगा अच्छा देखिए दूसरा एग्जांपल देखिए कि इसका इक्वेशन क्या लिखेंगे ए टी। इसका इक्वेशन क्या लिखेंगे माइनस ए टी। दोनों को ऐड करिए दोनों को ऐड करिए कुछ क्या मिलेगा आपको आंसर जीरो मिलेगा तो इस इन दोनों में फेज डिफरेंस कितना होता था याद करिए इसका इक्वेशन क्या लिखते थे ए साइन ओमेगा टी इसका इक्वेशन क्या लिखते थे ए साइन ओमेगा टी प्लस वन एट्टी डिग्री तो दोनों में फेज डिफरेंस कितना वन एट्टी डिग्री दोनों को सम किया तो क्या क्या मिला मेरे को आंसर जीरो मिला तो इस तरीके का इंटरफेरेंस क्या कहलाता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाता है मैंने यहाँ पे एक दो एग्जांपल दिए हैं कि हम किस तरीके से वे फॉर्म को ऐड कर सकते हैं तो देखिए कैसे ऐड करते हैं मैंने एडिशन सिखाने की कोशिश की है यहाँ पे देखिए एक वेब फॉर्म है जीरो से थ्री दूसरी वेब फॉर्म भी है जीरो से थ्री दोनों को दोनों का एम्पलीट्यूट कितना है फोर एंड फोर दोनों को ऐड करूँगा तो कितना आएगा जीरो से थ्री दोनों जीरो से थ्री हैं एम्पली कितना है फोर 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 मिलकर क्या हो जाएगा एट हो जाएगा चलिए दूसरा एग्ज़ाम्पल और समझते हैं एक वेब फॉर्म है जीरो से थ्री एम्पली ट्यूट फोर एक वेब फॉर्म है वन से फोर एम्पलीट्यूड है फोर अच्छा जीरो से लेके वन तक इसका एम्पलीट्यूड कितना है जीरो है अच्छा तो देखिए इन दोनों वेब फॉर्म का एडिशन देखिए इसका जीरो से लेके वन तक एम्पलीट्यूड कितना फोर इसका कितना है जीरो तो जीरो से लेके वन तक इसका फोर है या इसका जीरो है तो फोर प्लस ज़ीरो क्या बन जाएगा फोर बन जाएगा अच्छा देखिए वन से थ्री तक इसका एम्पलीट्यूड कितना है फोर वन से थ्री तक इसका एम्पलीट्यूड कितना है फोर तो यानी कि वन से थ्री तक फोर प्लस फोर मिलकर क्या बन जाएगा एट बन जाएगा अच्छा थ्री से फोर तक थ्री से फोर तक इसका एम्पलीट्यूड कितना है जीरो लेकिन थ्री से फोर तक इसका एम्पलीट्यूड कितना है फोर तो कितना हो जाएगा जीरो प्लस फोर इजिकल टू फोर एक बार फिर से देखते हैं जीरो से लेके वन तक इसका एम्पलीट्यूड कितना है फोर है जीरो से लेके वन तक इसका एम्पलीट्यूड कितना है जीरो है तो फोर प्लस जीरो कितना मिलेगा फोर लेकिन कहाँ से कहाँ तक जीरो से वन तक वन से थ्री तक इसका एम्पलीट्यूड कितना? 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 कितना है फोर वन से थ्री तक इसका एम्पलीट्यूड कितना फोर फोर प्लस फोर टू क्या हो जाएगा एट लेकिन कहाँ से कहाँ वन से थ्री तक थ्री से फोर तक इसका एम्पलीट्यूड कितना है जीरो और थ्री से फोर तक इसका एम्पलीट्यूड कितना फोर थ्री से फोर तक एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा फोर अच्छा देखिए एक और एग्जांपल ये कैसी वेव है एक साइन वेव है ये भी एक ये भी एक साइन वेव है दोनों को ऐड करूँगा तो कुछ वेव फॉर्म ऐसा मिलेगा मतलब कि मतलब कि क्या बात समझ में आई कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में वेव फॉर्म अपने को मिलेगी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में कुछ भी नहीं मिलेगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन क्या है दोनों क्या होना चाहिए सेम फेज़ पे होना चाहिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में दोनों में फ़ेज़ डिफरेंस कितना होगा वन एट्टी डिग्री होगा चलिए यहाँ पे देखिए फिर से इस एग्ज़ाम्पल पे आइए ये ट्रांसमीटर ये रिसीवर ये वेव यहाँ से ट्रेवल करके आई ये वेव यहाँ से ट्रेवल करके आई सोच के देखिए दोनों का फेज़ इसका फेज़ कितना होगा टू पाई बाई लेमडा इंटू डी वन मैंने बताया था इसका फेज कितना होगा टू पाई बाई लेमडा इंटू डी टू रिसीवर पे सभी सिग्नल क्या होंगे ऐड होंगे तो रिसीवर पे यदि इस रिसीवर पे यहाँ ये वेव और ये वेव यदि इस तरीके से दिखती है रिसीवर को रिसीवर को यदि दोनों दोनों पाथ से आने वाली वेव ऐसी दिखती है तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि दोनों वेव कैसी हैं सेम फेस पे हैं तो दोनों का क्या होगा कौन सा इंटरफेरेंस <laughs> होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा मतलब कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब एम्पलीट्यूड कुछ ज़्यादा मिलेगा मतलब, मतलब सिग्नल हमें क्या होगा रिसीवर पर रिसीव होगा मान लीजिए ऐसी कंडीशन आ जाए डी वन पाथ से जो मिलने वाली वेव है वो ऐसी दिख रही है डी टू पाथ से मिलने वाली वेव जो है वो ऐसी दिख रही है दोनों को ऐड करिए बताइए दोनों में फेज डिफरेंस कितने का होगा वन डिग्री का दोनों के बीच में कैसा इंटरफेरेंस होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब कुछ भी नहीं मिलेगा रिसीवर पे कुछ भी नहीं मिलेगा मतलब कि एट द एंड रिसीवर पे जो हमें सिग्नल मिलता है वो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बाद मिलता है यदि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो मुझे सिग्नल रिसीव होगा यदि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया तो मुझे सिग्नल रिसीव नहीं होगा तो so, ये था सिग्निफिकेंस किसका कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी द व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ फेजर एंड द कंसेप्ट ऑफ डायनामिक एंड स्टैटिक फील्ड सो प्लीज़ वॉच माय नेक्स्ट लेक्चर इफ यू लाइक दिस लेक्चर देन प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर इट थैंक यू वेरी मच